H3N2 जो वायरस है, एक तरह का इन्फ्लुएंजा ही है ये। इसके अभी तक हरियाणा में 10 केस आ चुके हैं, और जिसमें एक जो जींद का केस था, 56 साल का व्यक्ति था, उसको लंग्स कैंसर था। अब हम एग्जामिन करवा रहे हैं कि उसका काज ऑफ डेथ H3N2 था या कैंसर था। तो आई हैव टॉक टू वाइस चांसलर ओ पी जे रोहतक कि वो ये जांच करके बताएं कि जो काज ऑफ डेथ है वो H3N2 है या कैंसर है। लेकिन उसको था वैसे तो था। हाँ वो था। तो ये जो वैसे कहा जाता है कि ये जो है वायरस है, क्या इतना भयानक है ये कि नहीं 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 इसके लिए एहतियात बरतने की जरूरत है, किसी प्रकार के पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। ये H1N1 की तरह ही है, बल्कि उससे भी माइल्ड है। तो कोई ऐसी स्थिति तो नहीं अभी हरियाणा में भी कुछ ऐसा? नहीं नहीं कोई ऐसा नहीं है, किसी प्रकार से पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और सरकार के स्तर पर जो हमें तैयारियां समझ होनी चाहिए वो हम कर रहे हैं।